हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये ब्रेसलेट बनाएंगे। ये बहुत लाइट वेट है। इसके लिए मैंने ये 8 नंबर का धागा लिया है, 0.55 mm का क्रोचेट हुक लिया है, गोल्डन बीड, जंप रिंग, हुक और फैब्रिक ग्लू। सबसे पहले एक रिंग बना लेंगे। वन चेन लेंगे, रिंग में सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। धागे को खींचकर टाइट करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे। थ्री चेन लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, सेम स्टिच में ही लेनी है। यहाँ पर हम 4 स्टिच स्किप करेंगे। ये देखिए, जो हमने चेन बनाई थी, थर्ड चेन में नीडल को लेंगे, उसके अंदर से हम इस फंदे को निकाल लेंगे। 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डबल क्रोशिया लेनी है। 4 स्किप करेंगे। फर्स्ट वाले में यहाँ पर हम नीडल को लेंगे, उसके अंदर से फंदे को निकाल लेंगे इस तरह से। टू चेन लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ तक 6 पैटर्न बना लिए हैं। 2 चेन लेंगे, फर्स्ट वाले में इसको जोड़ेंगे इस तरह से। बैक साइड में चैन में हमें स्लिप स्टिच लेना है। ये देखिए, ये राउंड कंप्लीट है। 3 चेन लेंगे, 2 चेन के गैप में, ये देखिए, इसमें हमें डबल क्रोशिया लेनी है। 4 डबल क्रोशिया लेंगे। 3 चेन ली थी हमने, 4 डबल क्रोशिया ले लेंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। थर्ड चेन में नीडल को लेंगे, उसके अंदर से फंदे को निकाल लेंगे। 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट वाले गैप में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया लेंगे। 5 डबल क्रोशिया लेंगे।
फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के टॉप पर हम निडिल को लेंगे, उसके अंदर से हम फंदे को निकाल लेंगे, टू चेन लेंगे, सेम गैप में जो टू चेन का गैप है उसमें हम फाइव डबल क्रोशिया लेंगे फिर से, फर्स्ट वाले स्टिच में से हम फंदे को निकाल लेंगे। ये देखिए सभी गैप में हमें टू टू टाइम पैटर्न को इस तरह से बनाना है। ये देखिए 11 बार बना लिया है। फर्स्ट वाले गैप में वन टाइम बनाया है, सेकंड टाइम अब हम बनाएंगे, फाइव डबल क्रोशिया लेंगे, फर्स्ट स्टिच में निडिल को लेंगे, उसके अंदर से फंदे को निकाल लेंगे, सेम है, टू चेन लेंगे, बैक साइड में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे, वन चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर बन गया है। धागे को अच्छे से पक्का कर लेंगे, एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे और इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका देंगे। ये देखिए इसी तरह से सभी फ्लावर बना लेने हैं। जंप रिंग लेंगे, इसको खोल लेंगे इस तरह से, चेन के गैप में जंप रिंग को डालेंगे, सेकंड फ्लावर लेंगे, चैन के गैप में नीचे की साइड से लेंगे इस तरह से, जंप रिंग को टाइट करके बंद कर देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमें फ्लावर को जोड़ना है। फिर से हम जंप रिंग लेंगे, ये देखिए सेंटर में यहाँ पर इस तरह से हमें जोड़ लेना है। जंप रिंग में हुक को डालेंगे, इसके किनारे पर ये हुक वाला हम जंप रिंग लगा देंगे, अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये देखिए ये थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने इसमें एक फ्लावर और ऐड किया है। इसके लास्ट में भी मैंने एक जंप रिंग लगा दिया है। अब हम सेंटर में ग्लू लगाएंगे, इसके ऊपर बीड्स लगाएंगे। मैंने इसके सेंटर में स्मॉल साइज के 3 बीड लगाए हैं। आपके पास अगर बड़ा बीड है तो आप एक बीड भी लगा सकते हो। ये देखिए हमारा ब्रेसलेट तैयार है।